राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया है। यह उदयपुर वाटी के लिए और पूरे राजस्थान के लिए एक तारीखी दिन है जिसमें बहुत कुछ परिवर्तन की आपके जो सुपुत्र है हमारे शुभम उनका भी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन मुबारक और उनका जन्मदिन है। मेरे ख्याल से आप सबको आज हर्ष है आनंद है कि राजेंद्र जी यहाँ पर कई सालों से विधायक और मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उनका सुपुत्र आज उसका जन्मदिन है। मैं फिर एक बार आप सभी की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन और उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना भी करता हूं। और राजेंद्र जी यहां पर मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले साल यहाँ के मुख्यमंत्री आए थे क्या? आज के दिन आए थे, जन्मदिन पे आए थे और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जी आपके बदौलत मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। और मुख्यमंत्री के रूप में आपके सहयोग से खड़ा हूं और वरना मेरी जगह कोई दूसरा होता इसका था। अरे लेकिन फिर तो आपको उन्होंने आपका मंत्री पद ही बर्खास्त कर दिया, ये बहुत ही देखिए इसका जवाब तो जनता देगी। और मैं इतना ही कहूंगा क्या गलती थी, सच्चाई का रास्ता देखना या दिखाना या आईना दिखाना। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने कहा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है, इसमें क्या आपकी गलती थी? ये तो आपने जनता के लिए आवाज उठाया था और इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मंत्री पद छोड़ा लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो है खुद का स्वार्थ नहीं जनता का फायदा देखने वाले जो लोक प्रतिनिधि होते हैं वैसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, राज्य को है। और मैं भी कहूंगा जैसे आपने मंत्री पद त्याग दिया वैसे ही एक साल पहले मैं भी मंत्री था, मेरे साथ ये राजेंद्र गुढ़ा को एकनाथ शिंदे ने दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया है। ये कार्यक्रम राजेंद्र गुढ़ा के पुत्र शिवम गुढ़ा के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में हुआ। शिंदे ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने एक साल पहले यहीं पर कहा था कि गुढ़ा के कारण मैं मुख्यमंत्री हूँ, फिर उन्हीं को बर्खास्त कर दिया गया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि गहलोत ने जो किया उसका जवाब जनता देगी, गुढ़ा ने क्या गलती की, सच्चाई का साथ देना गुनाह है क्या, आपने राजस्थान में कानून व्यवस्था महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की तो आवाज उठाई। शिंदे ने कहा कि गुढ़ा ने मंत्री पद छोड़ा सच्चाई नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा राजेंद्र गुढ़ा का शिवसेना में स्वागत है, राजस्थान की वीरता और महाराष्ट्र की वीरता का मिलन सुखद है। गुढ़ा जब भी महाराष्ट्र आते थे तो वहां रह रहे राजस्थानियों की चिंता करते थे, महाराष्ट्र में रहने वाले हर राजस्थानी का हम ध्यान रखेंगे। सीएम शिंदे ने आगे कहा कि राजस्थान में विकास की अपार संभावना है, नेता राजस्थान की बात छोड़कर खुद का विकास करने में लग जाते हैं, इस वजह से प्रदेश पिछड़ रहा है, इस राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य में माइनिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा योजनाएं हम ला सकते हैं, महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है, उनकी सुरक्षा करना जरूरी है।